एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम गोविंद था। गोविंद बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह उठकर काम पर निकल जाता था। अरे पप्पू उठो भाई, सुबह हो गई है, आज काम पर नहीं जाना क्या? सुबह जल्दी उठना धंधे और सेहत दोनों के लिए अच्छा होता है। अरे गोविंद यहाँ से जा भाई, ज्ञान ना दे, मैं 12 बजे उठूंगा और फिर काम पर जाऊंगा। पेड़ कहाँ भागे जा रहे हैं वैसे भी? ठीक है, मैं तो सुबह काम पर जाकर अच्छी क्वालिटी का लकड़ी ही काटता हूँ। खैर मैं अब चलता हूँ। पप्पू बहुत आलसी था, उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही कारण था कि वह गरीब था और हमेशा मुश्किल में रहता था। अरे यहाँ तो सारे पेड़ पतले और कच्चे हैं, मुझे मोटा और मजबूत लकड़ी चाहिए। यमुना नदी के पास जाकर देखता हूँ, वहाँ जरूर मिलेगा। अरे ये पेड़ तो बहुत बढ़िया है, ठीक वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था। इसका लकड़ा तो बहुत महंगा बिकेगा। गोविंद उस पेड़ पर चढ़कर एक मोटी डंठल काटने लगा। काटते काटते अचानक उसके हाथ को कुछ लगा और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर यमुना नदी में गिर गई। हे भगवान यह क्या हो गया, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई। अब तो खाली हाथ ही वापस घर जाना पड़ेगा। मेरा तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया और तो और सुबह सुबह इतनी दूर आना भी व्यर्थ गया। हे यमुना मैया मेरी मदद कर। गोविंद उदास होकर सर पकड़कर वही नदी के किनारे बैठ जाता है। उसकी प्रार्थना सुनकर यमुना मैया तभी प्रकट होती है। वत्स तुमने मुझे याद किया, कहो क्यों उदास हो तुम? माँ मेरी गलती से मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, अब खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अच्छा निराश ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस दे सकती हूँ। तभी देवी ने एक कुल्हाड़ी प्रकट की। वो कुल्हाड़ी चमकदार सोने की कुल्हाड़ी थी। वत्स ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी? गोविंद सोने की कुल्हाड़ी को देखकर अचंभित हो गया, पर वह धैर्य से बोला, नहीं माँ यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ ने एक और कुल्हाड़ी प्रकट की। इस बार वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। तो यह लो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। यह तो बहुत अद्भुत कुल्हाड़ी है माँ, मेरी कुल्हाड़ी तो सस्ती लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये मेरी नहीं है। देवी माँ ने एक बार फिर से कुल्हाड़ी प्रकट की। इस बार वो गोविंद की लोहे की कुल्हाड़ी थी, जिसे देखकर गोविंद ने फौरन पहचान लिया। हाँ माँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। वत्स तुम मेहनती इंसान हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। लो यह तीनों कुल्हाड़ी तुम रख लो, यह सब तुम्हारी है, सदा खुश रहो। और हाँ ये पेड़ मुझे बहुत प्यारी है, इसे मत काटना। लो मैं तुम्हें यह लकड़ियाँ देती हूँ, तुम इसे भी ले जाओ। मैं धन्य हो गया माँ, अब मैं इस पेड़ को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। चलता हूँ माँ, प्रणाम। तीनों कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर गोविंद घर लौट जाता है। जैसे ही वह पप्पू के घर के पास से गुजरता है, पप्पू उसे देखकर चौंक जाता है। अरे यह क्या, गोविंद तो वापस भी आ गया, लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर गया था पर तीन तीन कुल्हाड़ी लेकर आया है, वह भी सोने और चांदी सी चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ, और इतनी सारी लकड़ियाँ काट भी ली इसने। कुछ तो जरूर गड़बड़ है, अभी पता लगाता हूँ। पप्पू गोविंद से जल भून जाता है। वो चुपचाप गोविंद का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँचता है। गोविंद अंदर जाता है और अपनी बीवी को आवाज देता है। अरे ओ भाग्यवान, चमत्कार हो गया आज, सारे काम छोड़ो और यहाँ आओ। आ रही हूँ, क्या हो गया? अरे वाह, इतनी चमकदार कुल्हाड़ियाँ, जैसे सोने चांदी से बनी हो, यह कहाँ से मिली आपको?
आज तो कमाल ही हो गया। यमुना नदी के किनारे एक मोटा वृक्ष है, मैं आज उसे काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी गलती से यमुना नदी में गिर गई। फिर वहाँ यमुना मैया प्रकट हुई और उन्होंने ही मुझे यह सब दिया है, यह असली सोने चांदी की है। स्वयं यमुना मैया ने दर्शन दिए हमें, हे भगवान हमारे तो भाग्य खुल गए। यह सोने की कुल्हाड़ी मैं बेच आऊंगा, बहुत धन मिलेगा, और चांदी की कुल्हाड़ी को मैं माँ का आशीर्वाद समझ के हमेशा अपने साथ रखूंगा। इन सभी बातों को पप्पू चुपके से सुन लेता है। अच्छा तो यह बात है, मैं भी यही करूंगा। आज ही जाता हूँ यमुना नदी के किनारे पेड़ काटने। पप्पू यमुना नदी के किनारे जाकर सभी पेड़ों को देखता है। वह उस मोटे और मजबूत पेड़ को फौरन पहचान लेता है। यही पेड़ हो सकता है, बहुत विशाल है। चलो इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ इसको काटने के लिए। पेड़ बहुत विशाल था, पप्पू उस पर चढ़ भी नहीं पा रहा था। फिर ऐसे ही कुछ देर सोचकर वह नदी में अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और फिर वह जोर जोर से रोने लगता है, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हे यमुना मैया, मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दे। यमुना माँ प्रकट होती है, पर उसे देखकर वह समझ जाती है कि वह बेईमान है। ये इंसान तो पेड़ पर चढ़ा भी नहीं था, इसके शरीर पर पसीना तक भी नहीं है, यह जरूर कोई बदमाश है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर देवी माँ लोहे की एक कुल्हाड़ी प्रकट करती है। यह लो वत्स, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी माँ दूसरी कुल्हाड़ी प्रकट करती है, इस बार चांदी की कुल्हाड़ी होती है। नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत चमकदार थी, मेरी कुल्हाड़ी एकदम सोने के जैसी थी। तो अच्छा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। और फिर माँ सोने की चमकदार कुल्हाड़ी प्रकट करती है। हाँ यह वाली, यही मेरी है कुल्हाड़ी, लाओ दे दो मुझे, या चाहो तो तीनों कुल्हाड़ी मुझे दे दो। फिर देवी माँ जोर जोर से हंसती है और फिर कहती है, तुम कपटी हो और मूर्ख भी, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। ऐसा बोलकर देवी माँ गायब हो गई। पप्पू की लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई। हाय मेरी लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई, मेरा तो नसीब ही खोटा है। गोविंद को तीन तीन कुल्हाड़ी और मुझे एक भी नहीं, बहुत नाइंसाफी है। पप्पू को खाली हाथ घर लौटना पड़ा।